गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपकी हिंदी की कक्षा में, मीन्स हिंदी की क्लास में। तो लास्ट क्लास में, पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या रीड किया था? हमने अपनी कविता रीड की थी, पढ़ी थी, रेनु दीदी को मनाया, है ना? क्या पढ़ा था हमने? हमने कविता पढ़ी थी, रेनु दीदी को मनाया, और जिसमें हमने क्या सीखा था? अक्षर ए को सीखा था, और अक्षर ए को सीखा था और अक्षर ए की मात्रा को सीखा था, है ना? और क्या किया था हमने? इसके क्वेश्चन आंसर को रिवाइज किया था और आप लोगों ने ए से रिलेटेड सुंदर सुंदर इमेजेस बना के मैम को सेंड की थी। तो आज हम इससे आगे का वर्क करते हैं। तो आज हमें क्या करना है, आपको जो भी चित्र दिखाई दे रहे हैं, इमेजेस को बोलते हैं चित्र, ठीक है? तो आपको ये जो भी चित्र दिखाई दे रहे हैं बेटा, आपको क्या करना है, इनमें पहचानना है कि किस में ए की साउंड आ रही है और फिर आपको उसको मैच करना है ए से, ठीक है? ये है आपका ए और ए की मात्रा। तो फर्स्ट इमेज देखो क्या है, बेलन। क्या है? बेलन। ए, ए की साउंड आई है ना इसमें, आई है। तो इसके पास जो स्माइली बनी हुई है उसमें आपको क्या करना है, कलर, ओके? अब नेक्स्ट इमेज देखते हैं क्या है, छतरी। छ त र ई। तो क्या छतरी में ए की आवाज़ आई है? नहीं, तो हम स्माइली में कलर नहीं करेंगे, ओके? अब नेक्स्ट इमेज देखो बेटा क्या है, पेड़। बोलेंगे सभी पेड़। ए, ए की साउंड आई इसमें, यस, तो हम इस स्माइली में क्या करेंगे, कलर करेंगे, ओके? अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कौन सी इमेज है हमारे पास, सेब। क्या है? सेब। तो इसमें ए की साउंड आई है, यस, तो हम इसको क्या करेंगे, कलर करेंगे, ओके? नेक्स्ट इमेज देखो, खरगोश। खरगोश। क्या इसमें ए की साउंड आई है? नो बेटा, इसमें ए की साउंड नहीं आई है, गलत बोल रहे हैं आप, इसमें ओ की साउंड आई है, ओ की, ए की नहीं आई है, तो हम इसको कलर नहीं करेंगे, ओके? नेक्स्ट पेज पर आपको क्या करना है, ए को लिखना है, अक्षर ए को लिखना है, जो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है और नोटबुक में भी आप कर चुके हैं, तो बिल्कुल आसान है आपके लिए। और ध्यान रखना है आपको सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है और फोर्थ लाइन तक लिखना है, ये चीज़ मैम आपको हर बार बताते हैं, ठीक है? तो आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक ऐसे स्मॉल वन बनाएंगे आप, फिर ऐसे स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे फोर्थ लाइन तक, फिर अगेन स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, और ये हमारा बन गया ए, ए ए डी, ओके? ये आपको बहुत अच्छे से सबको आता है और ये एक स्वर है, तो आपको जैसे आपने नोटबुक में इतना सुंदर बनाया था वैसे ही आपको बुक में भी ऐसे ही बनाना है, ओके? अब देखिए नेक्स्ट पेज पर बेटा क्या करना है, आपको इन चित्रों को देखना है और इन चित्रों को देख के आपको शब्दों को पूरा करना है। फर्स्ट देखो क्या है बेटा, एडी। क्या है? एडी। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले, ए, ए ड। अब किसकी साउंड आ रही है इसमें, ई, तो हम ड के साथ क्या लगाएंगे, ई, एडी, ओके? अब नेक्स्ट देखो ये क्या है, ये नंबर है एक, वन। वन को क्या बोलते हैं, एक। कौन सा नंबर है ये, वन। वन को क्या बोलते हैं, एक। तो देखो क लिखा हुआ है, एक, हमने लिखा ए और ये क, एक, एक, ओके? अब नेक्स्ट इमेज देखो क्या है, बेलन। क्या है बेटा, बेलन। ब लिखा हुआ है, ब के ऊपर हमने लगाई ए की मात्रा, ब ए बे ल, और हमने लिखा न, ओके बच्चा? तो ये हमारा बन गया बेलन। नेक्स्ट इमेज देखते हैं बेटा, केला। क, क के ऊपर लगाई ए की मात्रा, क ए ल आ, केला, ओके? नेक्स्ट देखो क्या है, सेब। तो हम लोग लिखेंगे स, स के ऊपर हमने लगाई ए की मात्रा
और ब स ए ब सेब। अब नेक्स्ट इमेज देखते हैं, क्या है? पेड़। क्या है? पेड़। प प के ऊपर हमने लगाई ए की मात्रा और हमने लिखा ड, पेड़। ओके, तो ये है आपका आज का हिंदी का वर्क। आपको इन चित्रों को देख के शब्दों को पूरा करना है, फिर आपको बहुत सुंदर सुंदर ए से एड़ी लिखना है, और ए से जिन चित्रों में ए की आवाज़ आती है उनके पास जो स्माइली बनी हुई है उसमें आपको रंग भरना है, मीन्स कलर करना है। तो ये है आपका हिंदी का वर्क जो मेरी क्लास को जल्दी से करना है और हेमलता मैम को सेंड करना है। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।